ओडिशा में गोपालपुर तट से टकराया तितली तूफान, राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 5 जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले 3 लाख लोग। स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ की 15 और ओडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को टीवी और अखबारों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 बार बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की पार्टी वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी। छात्रों के मूल प्रमाण पत्र नहीं रख सकेंगे शिक्षण संस्थान। दाखिले के दौरान सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र ने उठाया कदम। एडमिशन कैंसिल कराने पर फीस वापसी का भी प्रावधान। नहीं लौटाने पर जुर्माने के अलावा संस्थान की मान्यता तक हो सकती है रद्द। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ सम्मेलन में होंगी शामिल। अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा आतंकवाद से मुकाबले पर चर्चा की उम्मीद। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर चर्चा के दिए संकेत। और निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने जीता स्वर्ण। युवा ओलंपिक खेलों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हासिल किया पदक। अर्चना कामत को टेबल टेनिस में कांस्य पदक। भारत की झोली में अब तक 9 पदक।